हे गाइस व्हाट्सअप। तो उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे शूट पे, तो व्लॉग शूट करना था। जैसे कि मेरे साथ है यहाँ पे हरीश और ऋतिक, तो इनसे भी मिलवाएंगे। तो गाइस आज मौसम ठंडा था, तो हमने सोचा कि यार आज हम व्लॉग ही शूट कर दें। तो देखिएगा, अपने से हम वेल ट्राई करेंगे कि आपको अच्छा लगे। तो गाइस यहाँ पे हम रोड पे चल रहे हैं, आज हम जाने वाले हैं घाघवन पुल पे। तो भाई गाइस देखते रहिएगा। जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड है दो, तो यहाँ पे ऋतिक जी, इधर देखिए आप कैमरे की तरफ। तो बड़े टाइम के बाद हम इनसे मिले हैं। तो गाइस अपने अपने बिजी होते हैं लाइफ में, तो आज हमें मौका मिला तो हमने इनको भी बोला कि नहीं आप आए हमारे साथ तो ब्लॉग शूट करेंगे, तो बातचीत भी हो जाएगी। तो आपका क्या बोलना है, आप बताएँ कुछ अपने बारे में। मुझे मेरा फ्रेंड बहुत टाइम बाद मिला, तो मतलब इतनी खुशी है मुझे कि मैं बयां नहीं कर सकता। और मेरा फ्रेंड हमारी बचपन से ही यारी थी, बट कुछ ऐसा कुछ बना कि हम मिल नहीं पाते थे, क्योंकि हर जगह हर एक को मतलब काम अपने अपने होते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब आज मिले, मुझे फ़ोन किया उसने कि आ जाओ आज व्लॉग बनाएंगे, तो मैंने बोला चलो यार भाई तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तो मेरे जो भाई है इसको आप जितना हो सकते है शेयर करो वीडियो, इसकी लाइक करो एंड कमेंट, और हमारे भाई को आप मतलब कि सेलिब्रिटी बना दो, मैं यही चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि भाई अपनी जान है। थैंक यू ब्रो यार इतनी सपोर्ट करने के लिए। तो हम जैसे ही बता रहे थे कि आज हम जाएंगे पुल पे, तो पुल पे जाने के लिए हम तैयार। हमारे साथ एक और है यार, वो कैमरे में आ नहीं रहा है, मेरे को ये पता नहीं चलता यार क्यों शर्मा रहा है वो। तो आगे आगे जा रहा है, तो हम आपको पुल दिखाएंगे अभी। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे नीचे कितनी उतराई है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो आपको पुल देखिए यहाँ पे आप वो पुल आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, हम वहीं जाएंगे। तो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन यार अब जाना तो है, हमने सोचा है तो अब जाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे पार, जो यहाँ पे लोग आते हैं यार बड़े दूर से, दूर दूर आते हैं, तो हमने सोचा था तो अब हम जाएंगे यहाँ पे। पार मंदिर भी दिखाई दे रहा है लोगों को इधर। वाओ दरिया के ऊपर पुल, वाओ तो गाइस हम अब नीचे जा रहे हैं। तो गर्मी तो बहुत है यार, अब मतलब धूप तो लगी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी, इतना पसीना पड़ गया ना। तो इनको पता नहीं था कि व्लॉग शूट करना है, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी बढ़िया लग रहे हैं यार, ये बढ़िया लग रहे हैं यार कसम से। तो ऋतिक भाई आप रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मेरे को रास्ता मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हमें रास्ता बता रहे हैं, तो देख पा रहे कितना पसीना है यार, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो तभी हमने सोचा कि यार ठंडी हवाएं ले लें। तो पीछे ये हरीश जी आ रहे हैं यार, ये न्यू वाला सॉन्ग था यार, अब पुराना हो गया, पहले ट्रेंडिंग में बड़ा आया था। हाँ यार वो मैंने भी सुना था यार वो। तो यार रामबन पुल है, अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरे को लगता है ना रामबन पुल पे ही बनाना पड़ेगा यार। ये हमारा रामबन पुल। तो यार बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई है, तो जितना जितना पास आ रहे हैं ना पुल के, तो उतनी ही ठंडी हवाएं चल रही है यार। मौसम इतना मस्त वाला है ना, क्या ही बोले यार कुछ। ओ वेट करिएगा यार, ऋतिक जी वेट करें, हम आपको भी दिखाएंगे यार, ऐसी बात नहीं है, अकेले ही नहीं आएंगे हम। हमारे हरीश जी इधर आइए, क्या कर रहे हो आप यार? अभी खाने पीने के लिए चलते हो आप? जैसे खाने पीने के लिए हमने सामान नहीं लाया, क्योंकि अभी हम होटल पे खाना खा के आए, तो भूख नहीं लगी है यार। तो ये कुछ बोल रहे हैं यार,
अरबाज मैं देखिए तो यहाँ पे पानी, हाँ पानी यहाँ पे, तो पानी पियेंगे उसके बाद आगे हम अपना सफ़र जो जारी करेंगे। तो यहाँ पे पानी, ये आ रहे ऐसा ऐसा यार। क्या क्या बोल रहे हैं आप यार? पानी पीना यार। देखिए भाई ये बहुत ठंडा पानी है यहाँ। कहाँ कर पानी पिया हमने, तो अब हम आगे चल रहे हैं यार। पानी बहुत ही ठंडा है, तो गर्मियों के लिए यार ऐसे मतलब पानी मिल जाए तो यार बढ़िया रहता, क्योंकि बहुत गर्मी है यार। हाँ ये तो भी लगने वाली कोई आज रोज लगा। तो भाई अब हमारा जो हमने सोचा था पुल पे अब पहुँचने ही वाले हैं, तो रास्ता यार बढ़िया ही रास्ता है, अब क्या ही बोले। तो आगे आगे ऋतिक आ रहा है, पीछे हमारे हरीश आ रहा है। आस्था आना यार, गिर मत जाइयो। तो यार जो फाइनली हम पहुंच गए पुल पे, तो देख पा रहे अब कितना पानी यार। हालांकि अब बारिश हुई नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है यार। बादल, कल भी बादल थे आज भी बादल है। तो ये है गागवन का पुल यार। तो हमारे फ्रेंड बता रहे थे कुछ हादसा हुआ था, तो यार क्या हादसा हुआ था अब हम पूछेंगे यार इनसे। यहाँ से दरअसल चक्कर पता क्या हुआ, ये मतलब बीएसएफ का जवान है, और इसने आज से कोई 3-4 महीने पहले मतलब यहाँ से छलांग लगाई थी। देख पा रहे हैं आप ये पुल है, छलांग लगाई थी, और इस बम मतलब इस जो जवान की जो बॉडी थी वो 2 मंथ के बाद मिली थी यहाँ से, वो भी रियासी में। वही रियासी में मिली थी इनकी। क्या बोलते बाद में जो पता लगा इस मतलब इस बात का, इस मतलब की किस चीज़ में मतलब उनको घर वालों, उनके घर वालों ने उनको जो उनकी डॉक्यूमेंट से सारे डॉक्यूमेंट से जो सारे थे वो उन्होंने ले लिए थे, उसी कारण वो आया। तो इसलिए यहाँ से ये यहाँ से चला। तो देख पा रहे भाई ये पुल था। 2 मंथ के बाद बड़ी मतलब बीएसएफ के जो बाकी जवान थे उन्होंने बहुत ढूंढा और तब नहीं मिली। तो एक्चुअली जो उनकी सेकंड वाइफ थी, जो उनकी सेकंड वाइफ थी हिमाचल में, तो सेकंड वाइफ को मैंने किसी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर एक बॉडी मिली है रियासी में, तो मतलब ये तो ये आप जानते हो। फिर उन्होंने यहाँ फ़ोन किया जो उनकी मतलब कि उनकी जो हस्बैंड की जो वाइफ फर्स्ट वाइफ है, तो उनको फ़ोन किया, तो उनको कहा कि वहाँ पर उनकी उसकी बॉडी है तो आप ले आओ। तो उनकी बॉडी इतनी मतलब ज़्यादा फूल गई थी कि पहचान नहीं पा रहा था, मतलब चेहरा नहीं पहचान पा रहा। तो उनकी जो पाँव थी, तो पाँव की जो उंगली है वो 6 थी, तो उस कारण पहचान लिया, क्योंकि उनकी जो लड़की है एक मतलब उसकी 5-6 साल की है जो लड़की, तो उसकी मतलब उसको भी 6 फिंगर थे, तो उसके कारण भी फिर उन्होंने पहचाना। फिर उनका आंखें संस्कार हुआ, और यही बोल रही इस पुल से बहुत मतलब पहले बहुत बार जाते हुए। तो जैसे कि हमने जाना कि क्या हादसा हुआ था, तो गाइज यहाँ पे जो हादसा हुआ हमारे फ्रेंड ने बताया, इनको पता था। तो अभी जैसे हमने बताया था कि हम पुल पे आएंगे, तो यार बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे,
तो गाइस मज़ा ही आ गया यार, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही कुछ मिला यार हमें यहाँ पे। तो यार एक्चुअली हमें दुकान जो है दिखाई दी है बाहर से, हमने देखा तो यार अभी हमने बताया जैसे खाना शाना खा के आए थे, तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे यार। तो पानी आप देख पा रहे कितना, मतलब कितना तेज़ यार चल रहा है यार। अगर मान लो अगर कोई बंदा इधर से गिर जाता है बाई चांस, या कोई सुसाइड करता है ना भाई, यहाँ पे यार बॉडी मिलने का चांस ही नहीं है यार। तो जब से ये हादसे हुए तो तब से यहाँ पे ये पुल सुसाइडल पुल बन गया है। तो ऐसे हम नाम भी दे सकते हैं सुसाइडल पुल, यहाँ पे लोग सुसाइड करने पता नहीं क्यों आते हैं यार। मैं तो बोलता हूँ यार सुसाइड मत ही करो, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाती। वही तो बात है यार। चलो बढ़िया यार, अब हम क्या ही कर सकते, लेकिन जो हुआ तो उसको तो कुछ नहीं, लेकिन आगे के लिए हम यही मैसेज देंगे कि गाइस यार मरना ही कोई हल नहीं है ज़िंदगी में भाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ना फेस आउट करो यार। तो देख पा रहे हैं हम पुल पे यहाँ पे यार, हम ज़रूर चलेंगे यार यहाँ पे। पुल क्रॉस कर दिया हमने यार, दुकान पे आ गए हम यार। तो देखते हैं यार भाई ने क्या क्या रखा है दुकान पे। एक कोल्ड ड्रिंक क्या खाना है? जो खिलाएगा तो खिला लेते हैं। नहीं नहीं ले लो यार, ले लो ले ले, कोई बात नहीं ले लेते हैं। ले लो यार ले लो जो कुछ तो बहुत टाइम हो चुका, कम से कम हमने 2 घंटे इधर बैठे तो ठंडी हवा ली तो आए यार, बड़ा ही मज़ा आया। तो आपका क्या कहना है यार, आप बताएं आप कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? ऋतिक जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मतलब इधर आके मन नहीं कर रहा है घर जाने के लिए। तो देख पा रहे हैं गाइस कितना मज़ा यार, कितनी ठंडी जगह थी और हवाएं यार इतनी ठंडी ठंडी चलती ना इस घर यार, गर्मी के मौसम में यार क्या ही बोले। यहाँ पे इतनी मतलब ठंडी, यहाँ पे लगता ही नहीं कि गर्मी है, इतनी ठंडी हवा चलती है। ये देखो यहाँ पे चुनाव पहुँच चुके हैं रोड पे, तो अब हम अपने अपने घर जाएंगे। तो एंड होता है हमारा ब्लॉग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कीप सपोर्टिंग, तो भाई जो भी न्यू आता है ना भाई सपोर्ट करें यार, लाइक करें शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।